हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये देखिए, मैंने जहाँ से वीडियो एंडिंग किया था वहीं से शुरू किया है। और बख्शीपुर का मैंने देख के फिर सीधे हम लोग गए बेहतियाता तो आप लोगों को दिखाए थे। उसके और आगे का ये है भगवान जी का मूर्ति, और वहाँ पर मुझे मिला था ये श्रृंगार का सामान, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। आरब के पापा आरब को लेकर गाड़ी पे ही थे, मैं जाकर बस देख ही आई। और बहुत ही बड़ा मूर्ति जैसे कि आप लोगों को दिखाए थे। और ये दूसरे जगह आ गए, और ये भी बेहतियाता में ही है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा पंडाल भी सजा था, मूर्ति भी बहुत बड़ी बैठी थी, और दुर्गा माता बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और हम लोग उनके आगे चींटी की तरह हैं। और ये देखिए, ये लोग फ़ोटो क्लिक करा रही हैं, तो कैसी बच्ची लग रही है ना। तो फिर ये देखिए दुर्गा माता का रूप कितना, उनको देखो तो देखते ही रह जाओ, इतनी सुंदर होती है माता रानी। और इधर मैंने भीड़ में अपना वीडियो बना रहे हैं, ज़रा ज़रा सा बना लिए जैसे जहाँ पर भी। और ये देखिए रास्ते में फिर हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के पास में, पर स्टेशन मेरे गोरखपुर का ये देखिए। और बहुत दिन हो गया है, अभी कहीं गया नहीं है, तो बहुत मिस कर रहे थे कि मन कर रहा था चले जाएं कहीं घूमने के लिए। और पहले 2017 में गए थे वैष्णो देवी, तब का ही स्टेशन आए हुए हैं, तो इतने दिन के बाद देख रहे हैं तो मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ पे बैठती थी दुर्गा माता बहुत बड़ी बड़ी, पर इस साल नहीं बैठी हैं। और हमारे गोरखपुर का स्टेशन तो सबसे बड़ा है, तो उधर कोई मूर्ति नहीं बैठी थी। तो हम लोग आ गए हैं वापस, और ये असुरन यानी धर्मशाला साइड पे, असुरन तो बहुत दूर था, हम लोग नहीं गए हैं, क्या फ़ायदा बच्चे को लेकर इतनी रात को जाना, और ठंडा मौसम भी है। तो जो रास्ते में भगवान जी दिखे बस वही हम लोग देखे भी। और इतनी ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक पूछो मत। अरे देखो, पूरे फैमिली वाले हैं सब, ये देखो मियाँ बीवी बच्चे, ये देखो तीन तीन बच्चे, हाँ मियाँ बीवी, यहाँ देखो दो बच्चे मियाँ बीवी, वो पीछे देखो, बस यही था मेला में। अब वो जो कवारे लड़के थे वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे थे, बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही घूम रही थी। और हर जगह तो भंडारा चल ही रहा था, तो सब कोई भंडारा, और हमें लोग खाए हैं ऐसा नहीं है। और ये एक प्लेट मैंने कड़ी चावल लिया था, और इतनी गरम चावल थी, या कड़ी भी बहुत गरम था। और इधर मैं भी मांग रही हूँ भंडारा, आरब के पापा तो गाड़ी पे आरब को लेकर थे, बस मैंने इतना ही लिया प्रसाद के रूप पे, तो आरब को भी खिला दिया मैंने एक चम्मच, खुद भी खा लिया, आरब के पापा को भी खिला दिया, और हम लोग खाकर ये तुरंत आ गए। और इतनी भीड़ थी ना, जरा सा भी गाड़ी घिसिक नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और आरब के पापा बोले क्या उतर के देखोगी इतनी भीड़ में, और ऐसे ही चलो, तो नहीं देख रहे थे बाहर से ही, जो मैंने देखा ही देखा। ये मेले में तो पैदल ही जाना ज़्यादा बेस्ट है, जब अच्छे से देख सकते हैं, और गाड़ी पे बैठ के यानी गाड़ी पे ही बैठे रहो, तो फिर ये भी एक मेला है लोगों का, तो अच्छा लग रहा था घूमने में तो। और ये जिस दिन कन्या पूजन किए थे उसी के रात का ये वीडियो है, जैसा आप लोगों को मैंने बताया है पिछले वीडियो में, देखे ही होंगे। और मैंने और भी वीडियो बनाया था, पता नहीं कैसे हम ही से डिलीट हो गया, दुर्गा माता का बहुत सुंदर सुंदर, तो नहीं देखा पाई, बट कोई बात नहीं, मैंने दशहरा भी मेला देखने गए थे, तो आप लोगों का दिखा देंगे और भी सुंदर सुंदर माता जी का मूर्ति। और ये देखो डीजे लाइट लगा है, डीजे लगा है, और इतनी शोर, और जैसे लग रहा है कि सब कोई पूरा मेला ही देखने आ गया, पूरा दुनिया। और ये देखो माता जी वहाँ पर बैठी हैं, और हम लोग 6 बजे का निकले, रात के 11 बज गए थे घर आते आते, तो आरब घर से तो कुछ बना कर आए नहीं थे। और ये देखिए चंद्रयान 3 का माता जी पे लोग बैठाए हुए थे, तो माता जी चंद्रमा पे बैठी हुई थी, जो मिशन क्या कह रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वैसे तो मेरा समझ ही गए होंगे भाषा। और ये देखिए हम लोग आ गए रास्ते में, फिर मिला प्रसादी, तो मैंने फिर ले लिया है पूरी सब्जी हलवा, तो
एक एक पूरी हम लोग फिर खा लिया गया, आरव को भी खिला दिया गया, फिर भी घर पे आके खाना बनाना पड़ा। आरव के पापा बोले नहीं, आरव के लिए दाल बनाओ चावल बनाओ, तो खुद भी हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए दाल चावल चटनी। और ये देखिए ये गोल घर साइड का मूर्ति है, और यहाँ पे दुर्गा माता इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। छोटी सी थी, मेहरून कलर का लहंगा पहनी थी और शेर पे सवार थी। मन कर रहा था बस देखते रह जाओ, कन्या रूप में थी। और यहाँ पे हलवा और चना प्रसाद बट रहा था, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और ये मेरा बेटा एकदम से वहाँ पे खड़े हो गया, अपने में ही खेल रहा है। तो मैंने आरव को टीका लगा लिया, खुद टीका लगा लिया, कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, मैंने अपने हाथ से ही जो बनाया तो सो बन गया। और ये प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए। आरव के पापा खड़े हुए थे, तो फिर अब हम लोग बैठ कर फिर आ गए हैं। और ये रास्ते में ही मूर्ति है, वैसे ही गाड़ी पे बैठे बैठे बना लिया। और ये देखिए हमारे गोरखपुर का सबसे पहले यहीं पर बैठी थी माता जी गोरखपुर में, तो बहुत ही पुराना है, तो ये बहुत नामी माता जी का मूर्ति का स्थान है। और ये बेनीगंज में पड़ता है, और यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते, थोड़ा बहुत ही मैंने बना लिया है। और ये देखिए कुछ ज्वेलरी आरव के पापा बोले ले लो, बट हम नहीं लिए क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और अब आ चुके हैं हम लोग घर, और घर पे बनाए थे दाल चावल चटनी। तो अब यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।